नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। गाडरवाड़ा, नर्मदा सहित समस्त नदियों में अवैध उत्खनन जोरों पर है। इसके विरुद्ध NGT न्यायालय में याचिका दायर करने वाले पत्रकार रमाकांत कौरव के ऊपर खनिज अधिकारी OP बघेल द्वारा FIR दर्ज कराने के साथ ही उसे डराने धमकाने का भी प्रयास किया गया, जिसके विरोध में जिले के समस्त पत्रकार संगठन लामबंद होकर शासन प्रशासन और पुलिस को ज्ञापन दे रहे हैं। इसी क्रम में गाडरवाड़ा तहसील के सीहोर थाना चौकी में क्षेत्रीय पत्रकारों ने जिलाध्यक्ष भागीरथ तिवारी की अगुवाई में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर FIR निरस्त करने एवं मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई। इस अवसर पर पत्रकारगण विवेक पाठक, रजनीकांत दुबे, हेमराज राजपूत, हर्षित जैन, शैलेश कौरव, अशोक पटेल, तुलसीराम राठौर तथा ऋषि पचौरी आदि उपस्थित रहे। नर्मदा जी में जिस तरीके से उत्खनन की शिकायतें आ रही हैं और याचिकाकर्ता रमाकांत कौरव जी की जो FIR हुई है, क्या आप चाहते हैं उसको? देखिए, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, इसमें सभी को अपनी बात कहने का और लिखने का अधिकार है और विशेषकर जो पत्रकारिता जगत होता है ये भारत की चौथा स्तंभ कहा जाता है, भारत का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो अगर एक पत्रकार जागरूकता का परिचय नहीं देगा और जो समाज में जो गलतियां हो रही हैं, जो त्रुटियां हो रही हैं या जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान नहीं दिलाएगा जनता का, ज्ञापन तो, के माध्यम से क्या चाहते हैं आप लोग? ज्ञापन के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि अभी जो विगत कुछ दिन पहले जो घटना हुई है नर्मदा नदी के पास, एक पत्रकार थे हमारे पत्रकार साथी भाई रमाकांत जी कौरव, जिन पर अनावश्यक रूप से OP बघेल जी ने, खनिज अधिकारी हैं जो, उन्होंने मामला कायम किया है, वो मामला वापस लिया जाए, FIR रद्द की जाए। क्या नाम है आपका? जी, मैं विवेक पाठक, संवाददाता दैनिक भास्कर। किस तरह का ज्ञापन देने आए आप? आज हमारे पत्रकार साथी जो कि करेली निवासी रमाकांत कौरव जी हैं, उनने अपनी अदम्य साहस का परिचय दिया पत्रकारिता करते हुए। ज्ञात हुआ है कि जो OP बघेल साहब हैं, एक नरसिंहपुर में खनिज अधिकारी, उन्होंने उनके प्रति FIR की कार्रवाई की है, तो उसी की निंदा करते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं सभी कि पत्रकारों पर आए दिनों इस प्रकार के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल ही निराधार हैं। पत्रकार सरकार और जनता की कड़ी होती है, कड़ी के रूप में हम कार्य करते हैं और इस तरह से हम लोगों के ऊपर FIR दर्ज करेंगे तो निश्चित ही है बहुत ही दुर्भावना। क्या नाम है आपका? सना खान, खुल्ली से हैं और मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ जिला सचिव। खबर समय जगत के लिए गाडरवारा से अजय सोनी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।